एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। यार चार दिन हो गया मुझे यहाँ पे वियतनाम में आए हुए और मैं अभी तक कहीं पर भी घूमने नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर रोज ही बारिश हो रही है यार। देख रहे हो पूरा का पूरा बारिश का मौसम। आज भी बारिश हो रही थी लेकिन अभी इस वक्त बंद हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक यहाँ पे जो है इस मुझे तो लगता है शायद पूरे हो ची मिन्ह सिटी का सबसे बड़ा लोकल मार्केट है ये, स्ट्रीट फूड मार्केट या स्ट्रीट मार्केट के नाम से फेमस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले यही चल के आप लोग को दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ का जो नाइट लाइफ होता है हो ची मिन्ह सिटी का वो भी आप लोग को दिखाता हूँ आज इस वीडियो में। यहाँ पे यार मैं अकेले आया था वियतनाम में फिलहाल तो, बट अब यहाँ पे मेरे को और एक और बंदे जो मेरे साथ जुड़ गया है और एक और आने वाला है। विकी आपने देखा होगा श्रीलंका के ट्रैवल सीरीज में, उसके साथ मैं घूमा था। और यहाँ पे एक और नया भाई आया है कृणाल, वे भी यूट्यूबर ही अपने इंडिया का। ये रहा भाई तो ये भी आज ही आया है कंबोडिया से और हम दोनों अब साथ में साइड ट्रैवल करने वाले हैं। तो बेसिकली हम बेसिकली कल चले जाएंगे हैनोई की तरफ। तो आज हमारा यहाँ हो ची मिन्ह सिटी में आखिरी दिन है और कल हम निकल जाएंगे हैनोई की तरफ। कल विकी भी आ जाएगा और कल रात की फ़्लाइट होगी हैनोई की और फिर आप लोग को दिखाऊंगा एक खूबसूरत वियतनाम कैसा दिखता है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। वो यहाँ पे सारा कपड़े वाले ही हैं, बैम्बू वाला ही ज़्यादा चलता है। नहीं पता नहीं, बैम्बू के प्रोडक्ट्स तो हैं यहाँ पे ज़्यादा, ऐसे कपड़े के भी हैं। हाउ मच फॉर द टी शर्ट्स बाय द वे? डिपेंड इट इज एवरी वन लाइक दिस। हाउ मच फॉर दिस? या डॉलर और डाउन एनीथिंग 180 डॉन। यस ओके। हैव मेनी कलर्स एंड आई गॉट दिस वन टू, द न्यू वन, द लेटेस्ट वन, लुक इट्स वेरी नाइस। आई हैव मोर कलर, इट्स अ न्यू एवरीवेयर, जस्ट हैव यस्टरडे, सो आई हैव मोर कलर। मतलब केवल ब्रांड का नाम जो है चिपका दिया है और वैसे तो सेम वही रेट पड़ रहा है। इसका जो उन्होंने मुझे प्राइस बताया वो 180 डोंग बताया, मतलब कि 180,000 डोंग, क्योंकि यहाँ पे पीछे के तीन जोड़ते वो लोग काउंट ही नहीं करते इस वजह से। तो सही है यार, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ महंगा था। 180 डोंग का बताया यार ये, 101,80,000 डोंग का। सही है, देखो दिस वन फिट फॉर मी। या दैट्स इट फॉर यू। No, yeah, that price is does not matter. Yeah, size is yeah. Guys, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में यार। अच्छा ये मुझे पसंद आया। गाइस बताइएगा कितने का ले रहा हूं मैं। 100 से ज्यादा मत देना। 1 लाख डोंग का ये टी-शर्ट है भाई, इनको बोल 1 लाख का टी-शर्ट। 1 लाख डोंग का भाई, अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है लगभग 350 रुपए के हिसाब से। और मैं सोच रहा हूं कि इसे 400 तक में ले लूं यार, देख के सही लग रहा है। नहीं फिर भी 400 ज्यादा है, 350 बराबर है। तो गाइस देखा आप लोग ने भाई, मतलब भाई कैसे भाई हम भारतीय लोग बार्गेनिंग करते हैं ये तो आप लोग को जानते ही होगा। तो भाई मतलब मैंने जो है उनको करीब 350 के हिसाब से मैंने बोला था और वो लोग उतने में ही मान गए। तो यार भाई मतलब अगर आप इंडियन और बार्गेनिंग ना करो तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम लोग बताओ मुझे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक बात नोटिस करना, जब दो लोग होते हैं ना साथ में तो बार्गेनिंग स्किल्स ज्यादा आ जाती है अपने को देख के। हमेशा ग्रुप में जाके करिए भाई, ग्रुप में जाके करिए और तब ज्यादा हिम्मत आ जाएगी आप लोगों को। गाइस ये हमारा यार आज सुबह का खाना आ गया है। यहाँ पे कुछ सलाद वगैरह हैं, ऑमलेट वगैरह है, ये राइस है और ये कुछ टमाटोज हैं और ये पता नहीं क्या है यार ये तो। और ये एक सोया सॉस होता है, इसमें चटनी डाल करके दे देते हैं। दिस टमाटो नो टमाटो। तो खा के देखते हैं कैसा है ये। इसका हम पे कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया 50,000 डॉन, वो इसी का पे कर रहे हैं हम लोग। देख के तो सही लग रहा है यार, खाओ हर जगह आपको सोया सॉस दे देंगे ये लोग। और रेड कलर की चटनी खाते हैं भाई, बहुत तीखी होती है यार। कल मैंने खाया उसके, कल सुबह नाश्ता करे टाइम पर खाया था, मेरे तो भाई तोते उड़ गए थे, इतना ज़्यादा तीखा था भाई। बहुत तीखा होता है भाई, बहुत तीखा। वो गाइस पूरा ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है यहाँ पे यार, ये पूरा देख रहे हो आप लोग, वहाँ से है पूरा ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है पूरा इस तरीके को। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है यार देख करके, एकदम खाली सा एरिया है सिटी के बीच में, आराम से आप लोग चल सकते हो। बारिश का मौसम हो रखा है यार पूरा, मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ा टिक 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 करके बारिश गिर रही है, तो मतलब अजीब मजा सा लग रहा है एकदम से। Yeah.
गाइस यहाँ पर देख रहे हो फुटबॉल का क्रेज कितना खतरनाक है, मतलब हर जगह पे यहाँ पर आपको बैठ कर पूरे वियतनाम के वाले लोग दिखेंगे, सब लोग फुटबॉल देखने आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए आप लोग, पूरे वहाँ से लोग हैं पूरे भरे हुए यहाँ से, और आगे तो आप समझ नहीं सकते, कम से कम 50,000 लोग होंगे गाइस यहाँ पे, वो पूरा भरा हुआ है पूरा का पूरा, एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा। यार मैच चालू हो गया ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, kid, don't ever let them get inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret, I'll fight for what I love with every breath, my past is filled with things I won't forget, I use them all to push me to my best, so treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a...
आप लोगों ने यहाँ का जो फुटबॉल का सेलिब्रेशन था कितना खतरनाक था। मतलब जो वीडियोस आपने अभी देखी है ना, वो अभी बस फुटबॉल स्टार्ट होने से पहले का हिसाब किताब है। बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे कुछ बियर के ब्रांड्स हैं, तो वो कुछ एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, और उसमें भाई हम भी शामिल हो गए थे, तो हम भी मतलब पूरा कर रहे थे, और मतलब अमेजिंग था यार, एकदम से मज़ा ही आ गया कसम से। अभी अगर गलती से अगर वियतनाम जीत जाता है ना, तो उसके बाद का जो सेलिब्रेशन होगा वो तो एकदम बवाल ही हो जाता है भाई, एकदम से बवाल। तो अभी जो है हाफ टाइम हुआ है मैच का, किसी ने कोई गोल नहीं किया है, वियतनाम वर्सेस थाईलैंड का मैच चल रहा है इस वक्त। और ये मैं आपको पिछला वीडियो नहीं बल्कि लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, पिछला वीडियो मैंने हटा दिया था, बल्कि यही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और अब देखते हैं पता नहीं क्या होता है, 90 मिनट का मैच होगा, उसके बाद देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, आप लोगों को उसके हिसाब से बताता हूँ मैं। इतनी भीड़ है ना वहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कम से कम 50,000 लोग तो आज होंगे, क्योंकि आज है संडे का टाइम दिन, भाई साहब पूरा फुल हो रखा है यार एकदम से। बल्कि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट इस वक्त तो इतना ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत, एकदम पैक है पूरा। अभी ये हैम्बर्गर है, इतने ज़्यादा बाइक से पूरे वियतनाम में कि पूछो मत, मतलब भाई यहाँ पे कार कम दिखेंगी आपको, लेकिन बाइक्स तो इतने ज़्यादा है कि भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब पूरा पैक है यहाँ पे बाइक का। दोस्तों यार अभी आए हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ से भूख लग रही है भाई साहब, मतलब आज सुबह का खाया हुआ है, दोपहर में कुछ भी नहीं खाया, शाम को कुछ भी नहीं खाया, अभी यहाँ पे आए हम लोग देखने के लिए फुटबॉल, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं खाया हमने। अभी हम लोग यहाँ पे एक आए हुए हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट हमें मिला है, क्योंकि ये जो दूसरा भाई है हमारे साथ कुर्नल, ये एकदम प्योर वेजिटेरियन है भाई, पता नहीं कैसे जिंदा है यहाँ पर, ये कंबोडिया में कैसे जिंदा रह गए, मेरे को तो भाई सोच के चक्कर आ रहा है। आप लोग कंबोडिया की एक वीडियो जो देखी होगी आप लोगों ने, उसमें देखो हमें तो भाई वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिला था पूरे के पूरे ट्रैवल सीरीज़ में, मतलब हम जब फोनम पेन से सियाम रिप गए थे तो हमें कोई भी वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिला। तो अभी हम यहाँ पे आए, हमें वेजिटेरियन यहाँ पे मिल गया, हम वेजिटेरियन फ्राइड राइस लिया हमने, और प्राइस लगभग सेम है जितना हमारे वहाँ पे स्ट्रीट फूड के यहाँ पे मिलता है, सही है। उस मैच जहाँ पे हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा हम लोग पास में ही हैं, तो खाते पीते हैं और फिर चल के देखते हैं, अगर वियतनाम जीता तो आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा होता है यहाँ का वियतनाम का सेलिब्रेशन। वैसे मेरे पास एक फुटेज पड़ा भी हुआ है पुराना वाला, अगर ये वाला मैच वियतनाम नहीं जीता तो वो वाला फुटेज दिखाऊंगा आप लोग को, अदरवाइज ये वाला दिखा दूंगा मैं आपको, जैसा भी होगा आपको बताता हूँ। Everybody do that thing, and I get no happiness.
ये था, एक एंड हुआ फुटबॉल मैच का यहाँ पर, जिसको वियतनाम जो है जीत गया है। फेस्टिवल था भाई, फुटबॉल मैच नहीं था वो। ये भाई साहब, ये लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं फुटबॉल का मैच अगर जीत जाते तो। देखा आप लोगों ने, मतलब एकदम अल्टीमेट भाई साहब, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग राज कर रहे हैं या फुटबॉल मैच जीता। और लोग पकड़ पकड़ के सेल्फी खींच रहे हैं हमारे, जैसे हम सेलिब्रिटीज हैं यार। वैसे लोग आकर के सेल्फी खींच रहे हैं हमारी, वैसे सेलिब्रिटी बुला दिया हमें अभी इतना पे। बोले यार बहुत बहुत अल्टीमेट था यार, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था। और आई होप आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, नोमैड्स बैकपैकर। और मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए लाइफ को, टेक केयर, बाय गाइस।